बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर कोरोना से जुड़ी है। कोरोना के नए वेरिएंट की दहशत के बीच देश में कोरोना के 201 नए मरीज सामने आए हैं। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बड़ा बयान दिया है। मांडविया ने कहा है कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर अब अनिवार्य होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एयरपोर्ट पर टेस्ट के दौरान लक्षण दिखते हैं या फिर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन यात्रियों को क्वारंटाइन में भी रहना होगा। और इसी बीच देखिए, दिल्ली में एयरपोर्ट पर रेंडम कोविड टेस्ट भी शुरू हो चुकी है। ये 6 तस्वीरें देखिए। चीन में जिस तरह से कोविड महामारी फैल रही है उसको देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट को तुरंत ही एयर सुविधा के माध्यम से सभी पैसेंजर को ट्रैक किया जाएगा। पैसेंजर पहले से ही आरटीपीसीआर रिपोर्ट अपलोड करके ही आएंगे। इंडिया में आने के बाद भी उसका थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा और कोई पॉजिटिव पाया जाएगा या तो बुखार पाई जाएगी तो उसको देश में ही क्वारंटाइन करने के लिए हमने आदेश जारी कर दिया है। बिल्कुल, तो आपने देखा कि मनसुख मांडविया ने इस वक्त का एक सबसे बड़ा बयान दिया है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड समेत कई ऐसे देश हैं जहां से आने वाले लोगों की अब आरटीपीसीआर अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही आने वाले वक्त में बड़े कदम भी उठाए जाएंगे। क्या कुछ कदम हो सकते हैं, इस पर पूरी डिटेल देने के लिए मेरे साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी अमरीश पांडे जुड़ चुके हैं। अमरीश, अब सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर आ गई है। चीन में तो कोरोना ने फिर एक बार तबाही मचाई है, लेकिन भारत जो है, फिलहाल भारत में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि डरने की बात हो, लेकिन उसके बावजूद सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर है। क्या कुछ कदम उठा रही है सरकार, इसके ऊपर पूरी डिटेल दीजिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि भारत में वैसी स्थिति नहीं है जैसी चीन या फिर बाकी अन्य देशों में है, लेकिन सरकार अलर्ट पे है और सरकार के लोगों से अपील भी है कि अपने स्तर पे कोविड का जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करते रहें, वैक्सीनेशन के लिए आगे आएं। इसी बीच सरकार ने 3 अलग अलग आदेश आज जारी किए हैं, जिसमें से कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर जहां की इंटरनेशनल यात्री आ रहे हैं उनके हर फ्लाइट में से 2% लोगों के रैंडम सैंपलिंग की बात कही गई थी, वो आज से हर देश के हर एयरपोर्ट में जहां पे की इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं वो शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट्स को एक आदेश और आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि चीन, जापान, कोरिया, हांगकांग, बैंकॉक, थाईलैंड, ऐसे तमाम देश जो कि चीन के आसपास से हैं या फिर वहां जहां डायरेक्ट फ्लाइट चीन से आती हैं, उन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर अनिवार्य होगा। वो एयर सुविधा ऐप पर वो सारे डिटेल्स भर के ही आएंगे और देश में आने के बाद भी उनकी जांच की जाएगी। अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं या फिर कोई सिम्टम उनके अंदर दिखता है तो उनको 14 दिन का क्वारंटाइन मैंडेटरी होगा उनके लिए। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय से एक और चिट्ठी जारी की गई है सभी राज्यों को और यूटीज को, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जिस तरह से हमने पिछली दोनों वेव्स में देखा था कि ऑक्सीजन की किल्लत पड़ गई थी, तो ऐसे समय में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ऑक्सीजन से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक बार दोबारा जांचने की जरूरत है, इस तरह का चिट्ठी में लिखा गया है। जितने भी स्वास्थ्य सचिव हैं उन सबको चिट्ठी लिखते हुए इन्होंने, जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव है इन्होंने ये कहा है कि एक मॉक ड्रिल कीजिए तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑक्सीजन से रिलेटेड उसके लिए, और आपकी जो अवेलेबिलिटी है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, ऑक्सीजन कैरिंग व्हीकल्स की, टैंकर्स की, इसके अलावा अस्पतालों में जो पाइपलाइन से गैस भेज रहे हैं उन सब की, उस मॉक ड्रिल के जरिए उनको जांचिए कि क्या वो दुरुस्त स्थिति में है या नहीं, या फिर अगर उनको अपडेट करने की जरूरत है तो अपडेट कीजिए। और एक पोर्टल बनाइए जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों आपस में जानकारी साझा करते रहे कि किस किस राज्य के पास कितनी ऑक्सीजन है, और अगर किसी को कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो उसको उसकी जो पूर्ति है वो केंद्र करेगा। तो कुल मिलाकर ये 3-4 ऐसी बड़ी खबरें हैं जो कि आज का अपडेट है कोविड को लेकर। इसके साथ साथ सरकार की अभी भी अपील यही है लगातार कि लोग बाहर अगर भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जा रहे हैं तो वहां पर मास्क का प्रयोग करें। दूसरा ये है कि कोविड के अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। तीसरा ये है कि जिसका भी वैक्सीनेशन पेंडिंग है वो अपने अपनी वैक्सीनेशन के लिए आगे आए, और आज से जो नेजल वैक्सीन है उसको भी इंफ्यूज करने का काम शुरू कर दिया गया है, कोविन पोर्टल पर उसको लागू
जारी कर दिया गया है और वो आज से देश के तमाम से बड़े अस्पतालों में शुरू भी हो गया है। जी बिल्कुल, तो सतर्कता जो है वो बरतनी बेहद जरूरी है, भले ही देश में स्थिति बिगड़ी नहीं हो, उतनी खराब नहीं हो जिस तरीके की चीन की परिस्थिति है, लेकिन उसके बावजूद खुद सावधान और सतर्क रहना बेहद महत्वपूर्ण है और इसी को देखते हुए सरकार भी अब तैयार हो चुकी है। शुक्रिया इस पूरी डिटेल के लिए।